एक दिन में बकरा मान लो 3-4 बकरियों पे भी चढ़ता है। शरीर में एबोर्शन करने वाला बैक्टीरिया अंदर इसके मच्छरदानी में है और बकरा माउंट करेगा तो इसका चेप दूसरी जगह संक्रामक होने की संभावना बनी हुई है। हमारा TCI गोट AI स्टडी कार्यक्रम चल रहा है जो को वो रिसर्च बेस पे है कि बकरियों में अधिकतर लोग कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाते जी, क्यों नेचुरल सर्विस से ही बकरियों को गाभण करवाते हैं। लेकिन अगर आज हमारे गांवों में अगर हम आर्टिफिशियल इंसिमेशन आज की तारीख में बकरी में भी पॉसिबल हो गया है, बायफ के खुद के पास भी लैब है, भारत के दूसरे राज्यों में जो भी अलग अलग नस्ल की बकरियां है इसमें भी खास करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सिरोही नस्ल की बहुत अच्छी बकरी है, सौजत बकरी भी है, तो हम हमारी यहाँ जो लोकल बकरी है उसका विकास कैसे कर सकते हैं और अच्छी नस्ल की बकरी पैदा करने से दूसरा ये किसानों में अवेयरनेस ये लाना है कि बकरी पालन है वो बहुत ही कम जमीन वाला और गरीब परिवार ही पालन करता है आज के समय में, और वो आज के समय में गाय से भी बकरी का ज्यादा महत्व समझने लग गया है। कारण एक ही है कि हमें 12 महीने में बकरी एक बार बियावे, दो बार बियावे और इसका जो मेल होता है मेल बकरा उसको बेचकर वो अपना गुजारा चलाता है। दूसरा, किसान को साल भर में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसके घर में 4 महीने का बकरा हो गया तो वो थोड़ा आसान्वित हो जाता है कि मुझे अब जो अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं इसको 3-4 हजार 5 हजार में बेच के मेरा ये काम कर लूंगा, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे घर में कोई सामाजिक कार्य के लिए। अब हम इनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि क्यों ना आप बकरी पालन इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हो। नंबर वन, एक तो अच्छी नस्ल की बकरी होनी चाहिए, बकरी की फीडिंग सिस्टम, बकरी को जो बीमारियां आती है इसका समय पे टीकाकरण, इसको पेट में कीड़ा मारने की दवा ये देने से और साथ में एक अच्छी नस्ल की बकरी रखने से। अब आती है बात अवेयरनेस की, जहां अवेयरनेस का मेरा मतलब ये है कि हम क्या होता है कि बकरे का बकरा का वजन करे बिना और बाजार में मीट का भाव क्या है इसके बिना भी जो बिचौलिया आता है वो इनसे बहुत सस्ते में खरीद जाता है। अब किसान की मजबूरी ये है कि इसको तुरंत पैसे की जरूरत है तो वो ज्यादा दिन रोक नहीं सकता। अब इसको हम अवेयर ये कर रहे हैं कि आप लोग गांव में जो जितने भी बकरी पालक है वो संगठित हो और जो भी खरीद रहा है दो, मना नहीं कर रहे, हम बेचना है बकरा तो, लेकिन कम से कम आप जो बाजार में मीट का भाव चल रहा है इस हिसाब से आपके बकरे को वजन करा के बेचिए, जिससे क्या होगा कि आपको एक बकरे पे 500, 1000, 2000 का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान से आप बच सकते हो। तो इस वजह से हम इनको समय समय पे ट्रेनिंग, इस तरह का एक्सपोजर ये सब देते हैं और इनसे इनको जरूर सीख मिलेगी। 1 साल का ये रिसर्च का प्रोजेक्ट है, अभी हमने बहुत सारा काम वहाँ बकरी के लिए कर दिया है। हमारे में एक तो अच्छी बात ये भी कि कई लोगों ने बकरी में AI भी करवाई है और बकरियां इससे गाभण भी हुई है। सर, AI का मतलब एक बार बता दीजिए। आर्टिफिशियल इंसिमेशन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान जो करवाते हैं। हाँ, बड़े गाय भैंस में तो होता है लेकिन बकरी में इनके लिए भी नया है। तो बकरी तो छोटी है, इसको अब देखो इसके वलवा में तो हाथ डाला नहीं जाएगा, तो इसके लिए स्पेशल इसका क्या है कि AI करने का उपकरण अलग आता है जो जिसको बहुत अच्छी तरीके बाहर से दिख जाता है और तो सारा इसकी जब बकरी हीट पर आती है तभी इसका वो अंदर ओवरी वो ओस खुला हुआ रहता है और वहां देख के पता चल जाता है। और जिसका भी हमारा भी आदमी ट्रेन होता है, इनको हम ट्रेनिंग देते हैं और वो एक सामान्य डोज जो होता है नाइट्रोजन में रखा जाता है और थोइंग करके इसको हम AI कर देते हैं और बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सर, दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है, नेचुरल गर्भाधान ज्यादा सही है या फिर ये कृत्रिम गर्भाधान ज्यादा? देखिए, दो तरह की बात है। अगर मान लीजिए कि नेचुरल सर्विस में एक जोखिम ये है कि कोई बकरी में एबोर्शन करने वाला बैक्टीरिया अंदर इसके मच्छरदानी में है और बकरा माउंट करेगा तो इसका चेप दूसरी जगह संक्रामक होने की संभावना बनी हुई है। दूसरा क्या है कि जो बकरी है इसमें हमारे भारत में इन ब्रीडिंग ज्यादा हो रहा है। इन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि मान लो कोई एक बकरा बहुत साल रखने के बाद इसकी बहन हो गई, इसकी माँ भी हीट पर आएगी, इसी में रहेगा तो बकरा समझेगा नहीं कि ये कौन है, वो माउंट करेगा। तो इन ब्रीडिंग में जितने भी गैर फायदे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है।
वास्तव में आर्टिफिशियल इंसिमेशन से वो सारी बातें टाली जा सकती है। सर, इसका मतलब जो ये कृत्रिम गर्भधान है ये 100% सेफ मान सकते हैं हम? हाँ, सेफ है। इसमें मतलब कोई संक्रमण के कोई संक्रमण का कोई चांस नहीं है? जी जी, बकरे में है क्योंकि बकरा है तो दूसरी बकरियों पे भी माउंट करेगा। सही है सर। अपनी बकरियों को छोड़ के दूसरा बकरी को लेके गया तो इससे भी अब वो बकरी में कोई ऐसी गर्भाशय लगती कोई बीमारी है तो चेप वहाँ होने का संभावना है। एक दिन में बकरा मान लो 3-4 बकरियों पे भी चढ़ता है तो उस समय में बीमारी तो फैल गई एक बार, तो ये वाली जो चीज से अपना आर्टिफिशियल इंसिमेशन से बचा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा प्रमाणित किया हुआ बकरा सिरोही नस्ल का, जो बकरी क्या है सिरोही में दो गुण है, एक तो अच्छा इनका जो बच्चा होता है उसकी भी कीमत ज्यादा मिलती है, दूसरा वो दूध, सिरोही नस्ल का दूध भी बहुत ही अच्छा, दो टाइम का लेवे तो 3-3 लीटर दूध देने वाली भी बकरियां है अपने एरिया में। कृत्रिम गर्भधान के थ्रू जो करवाते हैं हम, जो ओरिजिनल ब्रीडिंग करवाते हैं? हाँ, ओरिजिनल उससे। जी सर, तो बकरी में क्या है देखो बताऊ मैं, आज मान लो महाराष्ट्र की उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद को उस्मानाबादी करना होगा, अगर उस्मानाबादी बकरियां बहुत छोटी रहती है कद में और हमने अगर वहां सिरोही का जो क्रॉस ब्रीडिंग किया तो वो गलत है बकरी में, खास करके बकरी पर्टिकुलर क्या है हर राज्य के लिए, हर क्षेत्र हर ब्लॉक के लिए अलग अलग वो पहले से पल रही है। जमनापुरी अपने क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में, जो अलग अलग कंडीशन में रहेगी, उसी बकरी का संवर्धन करना अपने को। अब वो जो बकरा है इसमें प्रमाणित सिद्ध हुआ प्रोजेनी टेस्टेड के, उसके प्रोजेनी टेस्टेड का मतलब ये होता है कि जो बकरा हमारे वहाँ सिद्ध होता है इसका कारण है कि इसकी बेटियां इसकी बहना उन्होंने कितना दूध दिया था, समझ रहे हो आप, ये सारी वंशावली वंशावली पास होने के बाद ही हम इसको आर्टिफिशियल इंसिमेशन में इसका सीमेन कलेक्शन करते हैं, फिर इसको फ्रोजन करते हैं और फिर हम हमारे बकरियों को आर्टिफिशियल इंसिमेशन करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो ठीक है दोस्तों, आज ब्यावर से पूरी टीम आई है और हमने इनसे बातचीत की बकरी पालन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।